हेलो इस ट्यूटोरियल में हम क्लास नाइन की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे अब देखने से तो लगता है ये क्वेश्चन बहुत लंबा है और बहुत डिफिकल्ट होगा लेकिन दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सो लेट्स सॉल्व इट इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ डी ई एफ ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज़ पैरल टू डी ई सो ए बी और डी ई ये हमें कॉन्ग्रेंट और पैरल गिवन है एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज़ पैरल टू ई एफ तो ये बी सी ई एफ के पैरल और इक्वल गिवन है सो बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ई एफ एंड बी सी इज़ पैरल टू ई एफ एज वेल वर्ड्स ए बी एंड सी आर ज्वाइन टू वर्डस डी ई एंड एफ तो इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया इसको इससे ज्वाइन कर दिया इसको इससे ज्वाइन कर दिया रिस्पेक्टिवली शो दैट तो ये सब चीज़ें हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वारिलेटरल ए बी ई डी इज़ ए पैरलो ग्राम ए बी ई डी इज़ अ पैरलोग्राम लेट्स सॉल्व इट सो अब हमें ये गिवन है कि ए बी is congruent to DE right this is given also AB is parallel to DE this is also given right ye given hai. ab ABED is a quadrilateral ABED is a quadrilateral now is quadrilateral key ऑपोजिट दो साइड पैरल हैं और साथ में क्या है कॉन्ग्रोन्ट ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर ऑपोजिट दो साइड्स पैरल और कॉन्ग्रेंट हो देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरलेलोग्राम सो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सो यूजिंग थ्योरम 8.8 तो आप इस थ्योरम को देख सकते हो 8.8 पॉइंट एट में हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया है यूजिंग थ्योरम 8.8 ए बी ई डी इज अ पैरलेलोग्राम सो दर्स्ट प्रूफ अब हम सेकेंड प्रूफ करते हैं प्रूफ नंबर टू क्वारेटर बी ई एफ सी इज ए पैरलेलोग्राम बी ई एफ सी अब इसमें भी एग्जैक्ट सेम चीज नाउ बी सी इज पैरल टू ई एफ ये गिवन है हमें यह हमें गिवन है यह पैरल है ऑल्सो बी सी

ए डी इज कॉन्ग्रेन टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ ओके बड़ा आसान है अब हमने अभी अभी प्रूव किया था कि ए बी ई डी इज ए पैरलालोग्राम तो पैरलालोग्राम का मतलब क्या है कि बी ई साइड इज पैरल टू ए डी एंड बी ई इज कॉन्ग्रेन टू ए डी राइट अगर इसको हमने अभी अभी पैरलालोग्राम प्रूव किया है तो इसकी ऑपोजिट साइड ग्रेंट भी होंगी और पैरल भी होंगी सिमिलरली अगर मैं ये वाली पैरलोग्राम लूँ बी ई एफ सी इसको भी अभी, अभी हमने प्रूफ किया कि पैरलोग्राम है तो इसमें भी फिर इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरल और कांग्रेट होगी सिमिलरली बी ई इज पैरल टू सी एफ एंड बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू सी एफ अब इससे और इससे बी ई इसके पैरल बी ई इसके पैरल दैट मीन्स ए डी एज पैरल टू सी एफ एंड बी ई इसके कांग्रेंट बी ई इसके कांग्रेंट तो यानी कि ये दोनों आपस में कांग्रेंट यानी कि ए डी एज कॉन्ग्रेंट टू सी एफ सो ए डी साइड हमने सी एफ के पैरल और कांग्रेन प्रूव कर दी एंड दैट्स वाट वी वॉन्टेड टू प्रूव लेट्स नाउ सॉल्व द फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट ये कहता है कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम वेरी सिंपल इसमें अभी अभी हमने ये प्रूव किया कि ए डी इज पैरेलल टू सी एफ ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू सी एफ सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन अगेन से दैट यूजिंग थ्योरम 8.8 अगेन अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स कोई एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हो देन इट इज अ पैरेललोग्राम दिस इंप्लाइज ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम दैट्स इट ये पार्ट सॉल्व हो गया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ फिफ्थ पार्ट सेज टू डी एफ अब ए सी एफ डी ए सी एफ डी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दी दिस इंप्लाइज़ इसकी ये ऑपोजिट पेयर आपस में कॉन्ग्रेंट और पैरल होगा दैट मीन्स ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी एफ दिस इंप्लाइज फिफ्थ पार्ट प्रूव हो गया अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट सो सिक्स पार्ट में हमें ये सॉल्व करना है कि ट्रायंगल एंगल ए बी सी ट्राएंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ तो वेरी सिंपल अब ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ई ये गिवन है ऑल्सो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ भी गिवन था हमें और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ये हमने अभी अभी प्रूव किया यहां पे, सो so, इन तीनों से हमारे पास क्या आ गया साइड साइड एंड साइड दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट दिस इंप्लाइज बाय एस 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 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो दिस ट्यूटोरियल. ये लगता था बहुत लंबा समय लेकिन ये बड़ा ही सिंपल और आसान समय. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के सम देख के घबराएं ना राइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग